अगर आप शहर की हर छोटी मोटी खबरों को सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपकी अपनी आवाज वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। गांव झटीपुर स्वर्ण महल के सामने तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से पलटी ट्राली, ट्राली के नीचे दबने से बच्ची और 3 महिलाओं की हुई मौत। स्मालखा में 5 साल पहले युवक की हत्या करने के दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, साथ ही लगाया गया 15,000 रुपए जुर्माना भी। सेक्टर 6 में 14,79,000 रुपए से बनाई जाएगी लाइब्रेरी, नगर निगम ने लगाया टेंडर, 14 मार्च को खुल जाएगा टेंडर। एंटी व्हीकल थेफ्ट की टीम ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को किया काबू, आरोपी के कब्जे से चोरी की 3 बाइकें की गई बरामद। CIA3 पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए भोरवाल माजरी रेलवे स्टेशन के नजदीक एक युवक को 24 किलो 400 ग्राम गांजा सहित किया गिरफ्तार। CIA1 पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पानीपत व करनाल में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को किया काबू, साथ ही पकड़े गए आरोपियों से 4 वारदातों का हुआ खुलासा भी। पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारकर जानलेवा हमला का प्रयास करने वाले आरोपी रेत माफिया ट्रैक्टर चालक को भी किया गया गिरफ्तार। डीसी सुशील सारवा ने गिरदावरी की जांच पड़ताल के दौरे के दौरान मतलोडा खंड के लोहारी गांव के राजकीय स्कूल का किया औचक निरीक्षण। ऑल इंडिया लैया बिरादरी का पारिवारिक मिलन समारोह होगा 5 मार्च को IB कॉलेज में। समारोह में मुल्तानी भाषा में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, दिखाई जाएगी डॉक्यूमेंट्री भी। हमारा ऑल इंडिया लैया बिरादरी का 5 तारीख इतवार का एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम लैया बिरादरी मिलन, और मिलन के पारिवारिक मिलन के बाद होली मिलन का कार्यक्रम है। उसमें हमारे जो प्रेम मंदिर के हमारे जो परम अध्यक्ष हैं उनका आशीर्वाद मिलेगा। वहाँ हमारी बिरादरी की एक डॉक्यूमेंट्री चलाई जाएगी, जो हमारे 75 साल से ऊपर बुज़ुर्ग हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा मंच होता है कि इसमें बिरादरी के सभी परिवार यहाँ आके एक दूसरे से मिलते हैं और आपस की दुख सुख की भी बातें होती हैं और एक दूसरे से उनका प्यार भी बढ़ता है। आप सब मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं बाकी अपने इस यहाँ बिरादरी के सभी भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि परसों इतवार को वो सभी यहाँ पहुँचें, इस कार्यक्रम में आएँ, उनका सबका अभिनंदन है, आभार है। वृंदावन ट्रस्ट द्वारा निकाली गई चुलकाना धाम तक ध्वज यात्रा, ध्वज यात्रा में पैदल चले सैकड़ों भक्त, बाबा के जयकारों से गूंजा पानीपत। जब वृंदावन ट्रस्ट की टीम ने हमारे अध्यक्ष राकेश बंसल जी, महासचिव हरीश जी और हमारे नवीन जी, हम सब साथियों ने इस यात्रा की परिकल्पना की थी तो बहुत सोचा भाई कितने निकालें। पहली बार 11,000-12,000 रुपये थी, बहुत हिम्मत करके 21,000 सोची, और जब 21,000 का आंकड़ा ठाकुर जी की प्रेरणा से पहली बार बोला गया तो सारे भड़के, अरे पागल हो 21,000 कैसे होंगे इकट्ठे। कल शाम तक भी ये था कि कैसे होगा, क्या होगा, ध्वज बनाए थे 21,000 हिम्मत की थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से। अब मैं जब रास्ते में आ रहा हूँ तो मुझे राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग भी और गैर राजनीतिक भी मिले। जो गैर राजनीतिक लोग मिले उनसे पूछा कितने लोग हैं, वो कहेंगे 50,000 से ज़्यादा होंगे। जो राजनीतिक आदमी साहब, मैंने उससे पूछा भाई राजनीतिक दृष्टि से इस भीड़ को क्या कहोगे, कहने लगे जी 1 लाख से ऊपर और लाखों की भीड़ है। तो हम भी कल्पना है, मैं भी, जब सब लोग मिल रहे हैं, आप भी अपने चैनल के माध्यम से सबका फीडबैक लें, इतनी कृपा ठाकुर जी की है, भरा पड़ा है पूरा GT रोड। जो लोग GT रोड कह रहे हैं, मेरी बाइट जो खाली देखेगा या सुनेगा उसको तो लग रहा होगा, लेकिन जिन लोगों ने व्यवहारिक रूप से ये दृश्य देखा है तो सड़कों पर इससे ज़्यादा भीड़ हमने नहीं देखी कभी। श्रेया, तो इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मैं गीता यूनिवर्सिटी की तरफ से, गीता ग्रुप की तरफ से, गीता सरोवर बॉडी की तरफ से और अपने तय दिल से इन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। गीता ग्रुप का धन्यवाद शब्दों में तो किया नहीं जा सकता जी। ये हमारे भाई निशांत बंसल जी कहते हैं, जो भी काम इनको प्रोग्राम कहते हैं तुरंत कर देते हैं और हम अपना ही प्रोग्राम समझते हैं, अपने ही हैं। आप क्या कहेंगे जी? हम तो ये कहेंगे जी, काफ़ी समय से निशांत जी ठाकुर जी में बहुत आस्था रखते हैं, तो जब से ये हमारी यात्रा आ रही है तो कंटिन्यू ये तन मन धन से ये सेवा दे रहे हैं। श्री श्याम, वृंदावन ट्रस्ट की जो 11वीं ध्वज यात्रा आज हमारे राकेश बंसल जी प्रधान, हरीश बंसल जी, नवीन जी, विकास गोयल जी,
हमारे राकेश बंसल जी प्रधान जी की जो इच्छा रही जिस दिन से यात्रा शुरू हुई थी कि भाई इस यात्रा के अंदर हजारों आदमी जुड़ते चले जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार। Colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, sapno se behtar kal. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining.